हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं साहिल रॉय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर। जैसा कि हम पास्ट क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है फ्री कंसेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि फ्री कंसेंट में पास्ट ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने मार्क्स में, जिससे ये एनालाइज करने में आपको आसानी होगी कि आपको कितने मार्क्स के लिए कौन से टॉपिक्स को पढ़ने की जरूरत है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है वो है 1996 फॉर 5 मार्क्स। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि हमारे सामने अभी जितने भी क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो 5 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कीजिएगा इनको। पहला क्वेश्चन 1996 में पूछा गया है और क्वेश्चन है, कंसेंट ऑब्टेन बाय फ्रॉड मेक्स अग्रीमेंट वॉइड, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट, गिव रीजंस फॉर 5 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 1999 में पूछा गया है फॉर 5 मार्क्स और क्वेश्चन है, डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस इफ द कंसेंट इज कॉज्ड बाय देम। अगला क्वेश्चन 2004 में पूछा गया है फॉर 5 मार्क्स और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड। अगला क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है फॉर 5 मार्क्स और क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, गिव रीजंस। उसमें सवाल है हमारा, कंसेंट ऑब्टेन बाय फ्रॉड मेक्स अग्रीमेंट वॉइड, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगर सही है या गलत है आप अपना रीजन दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है फॉर 5 मार्क्स और क्वेश्चन है, डिफाइन फ्रॉड एंड इट्स फीचर्स, हाउ फ्रॉड डिफर्स फ्रॉम मिस रिप्रेजेंटेशन, वॉट आर द रेमिडीज अवेलेबल टू अग्रीव पार्टी इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेड By way of fraud। अगला क्वेश्चन 1997 का है फॉर 5 मार्क्स और क्वेश्चन है, when the consent is said to be free। अगला क्वेश्चन 2000 में पूछा गया है फॉर 10 मार्क्स और क्वेश्चन है, द एसेंस ऑफ एवरी अग्रीमेंट इज दैट देर ought टू बी फ्री कंसेंट ऑन बोथ साइड्स, एक्सप्लेन क्लियरली what डू यू अंडरस्टैंड by फ्री कंसेंट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये फ्री कंसेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो 10 मार्क्स के लिए से आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 2008 में पूछा गया है फॉर 5 मार्क्स और क्वेश्चन है, व्हाट इज कंसेंट सेड टू बी फ्री, सॉरी इट इज व्हेन इज कंसेंट सेड टू बी फ्री फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन 1999 का है और फॉर 20 मार्क्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन है और क्वेश्चन है, डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड, What are the consequences if the consent is caused by them? अब आप समझ रहे हैं ना, misrepresentation और fraud के बीच में distinguish बहुत important है, इसको अच्छी तरीके से prepare कर लीजिएगा और free consent भी अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा। दोनों अब तक सवाल यही पूछे गए हैं। अगला हमारा जो question है 2004 का है और question है, explain the essential elements of fraud for 5 marks। अगला क्वेश्चन 2007 में पूछा गया है फॉर 20 मार्क्स और क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय फ्री कंसेंट, व्हेन इज कंसेंट नॉट फ्री, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट। अगला क्वेश्चन 2008 में पूछा गया है फॉर 5 मार्क्स और क्वेश्चन है, व्हेन इज कंसेंट टू बी फ्री। अगला क्वेश्चन 2010 में पूछा गया और क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय फ्री कंसेंट, व्हेन इज कंसेंट नॉट फ्री, कब कंसेंट फ्री नहीं होता, फ्री कंसेंट का मतलब क्या है और कंसेंट कब फ्री नहीं होता, ये आपको 20 मार्क्स में एक्सप्लेन करना है, लॉन्ग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 2001 में पूछा गया फॉर 5 मार्क्स और क्वेश्चन है, व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगला क्वेश्चन 2009 का है फॉर 5 मार्क्स और क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, गिव रीजंस, कंसेंट ऑब्टेन बाय फ्रॉड मेक्स अग्रीमेंट वॉइड। तो होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा कि इस चैप्टर में आपको क्या प्रिपेयर करना है। अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं या हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करके वहां कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो हमारे एयू कॉमर्स स्कॉलर के पेज को इंस्टाग्राम में लाइक करके आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।